हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम आपका ओल्ड टाइम स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ हम डेली कर रहे हैं, तो इसमें 5 क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए पर्सन हु प्रीटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट। एक व्यक्ति जो बनने का तो दिखावा करता है पर वह वैसा होता नहीं है। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, मैजिशियन वो होता नहीं है, लायर वो आपका होता नहीं है, जो आपका होता नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका डी, इम्पोस्टर। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज़ फ्रीक्वेंटली रिमेन एबसेंट ऑन वर्क। एक व्यक्ति जो है वो अक्सर काम के लिए क्या हो, अनुपस्थित रहता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ट्रुएंट। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु डज नॉट मैरी एज ए रिलीजन धर्म। तो एक व्यक्ति जो धर्म धार्मिक जिम्मेदारी के तौर पर शादी नहीं करता, यानी कि धर्म के खिलाफ, तो वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर है रिक्लूज। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। तो एक व्यक्ति जो बीमारी के बाद जो यहाँ पे स्वस्थ हो रहा है, तो आंसर है यहाँ पे आपका कन्वेलिसेंट। नेक्स्ट है, ए लवर ऑफ गुड फूड, अच्छे खाने का एक शौकीन। तो आंसर है यहाँ पे गवर्नमेंट। तो सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। एक बार हम थर्ड क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो एक धार्मिक जिम्मेदारी के तौर पर शादी नहीं करता, तो आंसर होगा इसका यहाँ पे सेलिब्रेट, सेकंड बी, बी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऐसे हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।